वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोनाउंस नंबर जेंडर एंड केस। हम पढ़ेंगे आज प्रोनाउंस में नंबर्स, जेंडर्स और केस। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। पहले हमें क्या पढ़ना होगा? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन पढ़ना होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई, मी या माई। उसी प्रकार फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी, अस और अवर्स। सेकंड पर्सन का क्या होता है? यू और योर्स होता है सिंगुलर, और प्लूरल भी यू या योर्स होता है। उसी प्रकार थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, हिम, शी, हर, इट या इट्स। उसी प्रकार प्लूरल में होता है दे, देम या फिर देयर्स। तो ये थे हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जेंडर। द फर्स्ट एंड द सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस कैन बी यूज बोथ एज मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं हम, जिसमें जो दोनों की तरह से यूज़ होता है, मस्कुलाइन भी फेमिनाइन भी यूज़ होता है। जैसे ही, हिम और हिज मस्कुलाइन जेंडर है, शी, हर फेमिनाइन जेंडर है, और हर्स भी फेमिनाइन जेंडर है। इट इज़ ऑफ न्यूट्रल जेंडर बट इट इज़ आल्सो यूज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। इट जो होता है एक न्यूट्रल जेंडर होता है, लेकिन वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और चिल्ड्रन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दे, देम, देयर्स आर यूज फॉर ऑल जेंडर्स। देम और दे किसके लिए लगा सकते हैं हम? ऑल जेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लड़की को बुक दी, तो आई गेव बुक टू अ गर्ल, मतलब उसे दी, तो हम कहेंगे मैंने उसे बुक दिया। वो कौन है? लड़की है, तो हम कहेंगे आई गेव अ बुक टू हर या आई गेव हर अ बुक। लेकिन वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे? आई गेव देम अ बुक। तो यहाँ पे हमने शी के प्लेस पे क्या अप्लाई किया है? देम अप्लाई किया है। देम क्या होगा? शी का, हर का प्लूरल फॉर्म होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केस। आई एंड वी आर यूज इन द नॉमिनेटिव केस। आई और वी किस में यूज़ किया जाता है? नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आई हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब, और वी भी स्टार्टिंग में ही आता है। लेकिन अगर आप इन्हें एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो आपको इन्हें आई को चेंज करके मी में और अस, वी को चेंज करके अस में अप्लाई करना होगा। आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम। यहाँ पे आई सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया गया है। वी आर द वर्ल्ड चैम्पियन इन क्रिकेट। यहाँ पे वी भी क्या है? सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है। मी, अस आर यूज इन द एक्यूसेटिव केस, दैट इज एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जांपल माय डॉग ऑबेस मी। यहाँ पे जो मी है वो क्या है? एक्यूसेटिव केस है। शी इज़ एंग्री विथ अस। यहाँ पे अस क्या है? एक्यूसेटिव केस है। माइंड, अवर्स आर यूज इन द पजेसिव केस। माइंड और अवर्स किस में यूज़ होता है? पजेसिव केस में यूज़ होता है। जैसे हमने लिखा दिस इज़ माई हाउस, हम उसी सेंटेंस को लिख सकते हैं दिस हाउस इज़ माइंड। दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़, माइंड को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड में जैसे हमने लिखा कि दिस इज़ आवर हाउस, वैसे ही लिख सकते हैं दिस हाउस इज़ आर्स। यहाँ पे हम आर्स को लिख सकते हैं एज अ प्लूरल फॉर्म। यू इज़ यूज बोथ इन नॉमिनेटिव एंड एक्यूसेटिव केस। यू को किस में यूज़ कर सकते हैं हम? नॉमिनेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू गेव मी अ पेन या फिर आई गेव यू अ पेन। देखिए हमने स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, तब भी हमने यू यूज़ किया है, यू अप्लाई किया है, और जब हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तब भी यू को यू ही अप्लाई किया है। तो यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में भी सेम होगा, मीन्स नॉमिनेटिव केस में भी सेम होगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम होगा। यू यू लव योर डॉग्स, नॉमिनेटिव केस। योर डॉग्स लव यू, एक्यूसेटिव केस। These dogs are yours, possessive case। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि ये जो डॉग हैं ये तुम्हारे हैं, मीन्स हमने ऑनरशिप बताई है, इस वजह से हम यहाँ पे पोजेशन बता रहे हैं, इसलिए possessive केस होगा। He, she, it, they are used in nominative case। He, she, it किस में यूज़ होंगे? नॉमिनेटिव केस में यूज़ होंगे। इसी प्रकार they, her, him, it ये सब किस में यूज़ होंगे?
ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। अब हम बात करें पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस हैव सेम नंबर एंड जेंडर एज नाउंस फॉर विच दे स्टैंड। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल बता रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन का ये बता रहे हैं हम कि इसमें नंबर और जेंडर जो होता है वो नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। द बॉय हैज़ फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन करके कमेंट करके बनाया है और लिखा है कि बॉय जो है, द बॉय हैज़ फेल्ड, लड़का फेल हो चुका है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की थी। तो हम इसमें क्या बता रहे हैं, पहले बताए हमने उस लड़के के बारे में कि एक वो लड़का है वो फेल हो गया, लेकिन अब जब सेकंड टाइम हम वापस उसी के बारे में बता रहे हैं तो हम वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जबकि हमें बार बार बॉय रिपीट नहीं करना है। हम उसके नेम के प्लेस पे ही लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि राम सुबह 6 बजे उठता है, फिर वो ब्रश करता है, उसके बाद वो अपना लंच लेता, सॉरी उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रश हिज टीथ, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग बताया कि हम राम की बात करें तो राम अप्लाई किया है, देन इसके बाद हमने उसके नेम की प्लेस पर ही अप्लाई किया है, तो ही जो होगा वो एज अ प्रोनाउन वर्क करेगा। द बुक वॉज लॉस्ट, इट वॉज माइंड, बुक खो गई है वो जो कि मेरी थी। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। पर्सनल प्रोनाउंस आई, ही, शी, वी, दे हैव द फॉर्म्स मी, हिम, हर, हर्स, देम फॉर द ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम किसका यूज़ करते हैं, हिम का, हर का, मी, अस, देम, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट की तरह नॉमिनेटिव की तरह यूज़ करेंगे तो आई, ही, शी, इट, यू या दे यूज़ होता है। डू नॉट यूज़ आई फॉर मी व्हेन द प्रोनाउंस इज़ कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन। जब आप प्रोनाउन कनेक्ट कर रहे हैं कंजक्शन के साथ तब आप आई को मी नहीं लिख सकते। जैसे शी एंड मी वेंट टू स्कूल, वो और मैं स्कूल गए थे, हम दोनों स्कूल गए थे, तो हम शी और मी नहीं लिखेंगे, शी एंड मी नहीं, शी एंड आई वेंट टू स्कूल। दिस बुक्स आर फॉर यू एंड मी, नॉट आई। अब जब इसको ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे तो आप आई नहीं लिखेंगे कि दिस बुक इज़ योर्स एंड आई, ऐसा नहीं लिखेंगे, योर्स एंड मी इस तरीके से लिखेंगे। यू मस्ट ऑलवेज राइट, अब वी मस्ट ऑलवेज राइट, हमें क्या लिखना चाहिए, यू एंड आई। यहाँ पे हम नॉट आई एंड यू, सबसे पहले हम जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, हम अपने आप को अपनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडिया टीम ने और हमने मैच जीता, है ना, मीन्स मतलब हम लोगों ने सबने मिलकर मैच जीता, तो उसमें जब हम इस तरह से बोलेंगे कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर मैच जीता, वो गलत सेंटेंस होगा, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि मेरी टीम ने और मुझे मिलकर मैच जीता। तो यहाँ पे माई टीम वुड बी इन द फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसे माई टीम एंड आई वॉन द मैच, यहाँ पे आई एंड माई टीम नहीं होगा। सुमित एंड आई आर फ्रेंड, सुमित और मैं अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सुमित का नाम पहले लिखा है। तो हमेशा हमें आई को आई को सेकंड स्टेप में लिखना चाहिए, जबकि स्टार्टिंग में हमें जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे पहले लिखना चाहिए। वी ऑलवेज राइट बिटवीन यू एंड मी, हम हमेशा क्या लिखते हैं, बिटवीन यू एंड मी, हीम एंड मी, बिटवीन देम एंड मी, बिटवीन अमित एंड मी, बिटवीन रुचि एंड मी, एंड बिटवीन हर एंड मी, मीन्स लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, मी अप्लाई कर रहे हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी ऑलवेज इन द नॉमिनेटिव केस, कॉम्प्लीमेंट हमेशा कौन से केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है। इट इफ द कॉम्प्लीमेंट्स इज अ पर्सनल प्रोनाउन, अगर कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, वी शुड ऑलवेज यूज इट्स नॉमिनेटिव फॉर्म, तो हमेशा हमें क्या यूज़ करना होगा, उसका नॉमिनेटिव फॉर्म यूज़ करना होगा। जैसे हु इज देयर, वहाँ कौन है, इट इज़ आई नॉट मी, यहाँ पे हम मी यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि वहाँ पर कौन है, हमने कहा कि इट इज़ आई, इट इज़ मी नहीं कहेंगे। आई वॉज सॉरी इट वॉज ही, इट इज़ शी, यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे इट वॉज ही एंड इज शी इज़ सॉरी इट इज़ शी, यहाँ पे इट इज़ हर नहीं लिखेंगे।
If I were he, I would not do it. अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता. तब हम he की प्लेस पे him अप्लाई नहीं कर सकते. जैसे if I were him, ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते. Now I am going to explain you about the use of it. That where should we apply it? हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि it को कहाँ अप्लाई करना चाहिए. That I am going to clear for you. The pronoun it is used for things without life. It किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रोनाउन की प्लेस पर जहाँ पर जो चीज़ें कैसी हैं, लाइफलेस हैं, मीन्स नॉन लिविंग है, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं. जैसे हमारे घर में फ़ैन होता है तो हम कह सकते हैं कि द फैन इज़ रनिंग. हम फैन की प्लेस पर लिख सकते हैं कि इट इज़ रनिंग, क्योंकि फैन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है. इसलिए आई हैव अ बुक, इट हैज़ पिक्चर इन इट. मेरे पास एक बुक है और उसमें पिक्चर है. इट हैज़ पिक्चर मीन्स उसमें पिक्चर है, तो हमने इट अप्लाई किया है एज अ प्रोनाउन. फॉर एनिमल्स, हम एनिमल्स के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं. द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग्स. यहाँ पे हमने हॉर्स के लिए क्या कहा है कि हॉर्स ने अपने पैर तोड़ लिए, मतलब इट्स लेग्स, उसके खुद के. फॉर यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन मतलब बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी इट लगाया जाता है. जैसे बेबी, बेबी इज स्लीपिंग, बेबी के प्लेस पे आप इट लगा सकते हो, इट इज स्लीपिंग. एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज. प्रोविजनल सब्जेक्ट के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं. जैसे इट इज़ अवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, मीन्स यह हमारी ड्यूटी है कि हमें एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए. इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बैग. इट इज़ बेटर मीन्स यहाँ पे भी इट किस लगाए, एज अ सपोर्टिव लगाया गया है, तो हम यहाँ पर इट का यूज़ कर सकते हैं. टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन, हम जब नाउन और प्रोनाउन पर एम्फेसिस करते हैं, मीन्स जब भी नाउन और प्रोनाउन को प्रेशराइज करके बोलना होता है, तब हम इट लगा सकते हैं. जैसे इट इज़ द हाउस, यहाँ पे हमने किस पे प्रेशर डाला, हाउस पे, तो हमने स्टार्टिंग क्या लगाया, इट. इट इज़ द हाउस, द हाउस पे प्रेशर एम्फेसिस किया है, इसलिए हम वहाँ पर इट अप्लाई करते हैं. इन स्पीकिंग ऑफ द टाइम और वेदर, जब हमको टाइम की बात करनी होती है, वेदर की बात करनी होती है, तब भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इट अप्लाई कर सकते हैं. जैसे इट इज़ वेरी हॉट टूडे, या इट्स वेरी हॉट, इट इज़ वेरी कोल्ड, या फिर इट वॉज स्प्रिंग सीजन. इट इज़ 12 o'clock बाय माई वॉच, मीन्स यहाँ पर हम टाइम बता रहे हैं, तब भी हम इट का अप्लाई कर सकते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन नाउन प्रोनाउन कैन बी यूज बोथ एज मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. पर्सनल प्रोनाउन में हम मस्कुलाइन या फेमिनाइन दोनों यूज़ कर सकते हैं. आई एंड वी आर यूज इन द नॉमिनेटिव केस. आई और वी का यूज़ नॉमिनेटिव केस में किया जाता है. प्रोनाउन इट इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ. और प्रोनाउन्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, प्रोनाउन्स जो इट होता है उसका कहाँ यूज़ करते हैं, सिर्फ किसी भी विदाउट लाइफ की प्लेस. थैंक यू.